हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसलम इलेक्ट्रीशियन। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बनाते हैं। दो सॉकेट, दो स्विच का एक्सटेंशन बोर्ड। तो चलिए पहले स्विच की वायरिंग को कर लेते हैं। उसके लिए मैंने छोटा छोटा वायर काट के रखा है। तो चलिए अब स्विच की वायरिंग को शुरू करते हैं। पहले ये छोटा सा एक वायर लेना होगा और स्विच के ऊपर की जो टर्मिनल है उस पर लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इस स्विच की वायरिंग को कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक ठो वायर लिया है इसको हम स्विच के साथ सॉकेट का वायरिंग करेंगे। इस वाले वायर को मैं स्विच की नीचे वाले जो टर्मिनल है उस पर लगा दूंगा। और इसके इस एंड को सॉकेट के जो लाइन वाला टर्मिनल है उस पर लगा दूंगा। और एक तो वायर लिया है छोटा, इसको हम इस सॉकेट की लाइट वाले टर्मिनल पे लगाएंगे। और स्विच का और स्विच की नीचे वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। और एक ठो वायर लिया है, यह हम सॉकेट का जो नेगेटिव जो टर्मिनल है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है और ये एक नेगेटिव टर्मिनल है, इस दोनों में कनेक्शन कर देंगे। ये हो गया पॉजिटिव का कनेक्शन, ये हो गया सॉकेट का कनेक्शन और ये हो गया नेगेटिव का कनेक्शन। अब हम इसमें ये वायर को बोर्ड के अंदर से इस वाले वायर को बोर्ड के अंदर घुसा लेंगे। कनेक्शन कर देंगे स्विच और सॉकेट में। ये स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है ये होगा पॉजिटिव, इस पे हम एक वायर को लगा देते हैं। और एक तो जो वायर है उसको हम सॉकेट का जो नेगेटिव का टर्मिनल है उस पर लगा देंगे।
तो ये हमारा मेन लाइन का कनेक्शन भी हो गया, मेन लाइन का कनेक्शन भी हो गया। तो चलिए आप इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए मैंने एक तो होल्डर और बल्ब ले लिया। इस ट्यूबिंग टॉक को इस सॉकेट के अंदर लगा देता हूँ और स्विच को ऑन करता हूँ। देखिए चालू हो गया। इस सॉकेट पे भी लगा देता हूँ। तो मेरा दो सॉकेट और दो स्विच का जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं।